बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसटी डिज़ाइंस। आज की वीडियो में हम 7 साल के बच्चे के लिए ये लैब कोट या ओवरऑल या डॉक्टर्स कोट बनाएंगे। मार्केट में ये बड़े साइज़ में अवेलेबल है, फुल साइज़ में, और छोटे बच्चों का बनाने के लिए हम खुद घर में बना सकते हैं। मैंने लट्ठा यूज़ किया है, लट्ठा या केटी आप इस्तेमाल कर लें, और 2 गज़ मेरा कपड़ा इस्तेमाल हुआ है। कपड़े की चौड़ाई बहुत कम थी, 1 गज़ अर्ज़ का कपड़ा था, इस वजह से ये 2 गज़ इस्तेमाल हुआ है। अगर कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा हो तो फिर कपड़ा कम लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं 2 गज़ कपड़ा है और इसकी चौड़ाई बिल्कुल 1 गज़ अर्ज़ है। तो कपड़े को मैंने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है और ये ऑन फोल्ड मैंने 11 इंच लिया है। हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे पहले, और लंबाई के लिए मैं यहाँ पर 26 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। चौड़ाई मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है ऑन फोल्ड। उसकी वजह यह है कि हमने बैक के पार्ट में स्लिट बनानी है, तो फोल्डिंग वाला हिस्से को मैं काट लूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंच लिया है, इस पर निशान लगाकर मैंने एक लाइन बना ली है। कॉलर शर्ट में बैक का पार्ट फ्रंट से 1 इंच बड़ा होता है, तो हम ऊपर 1 इंच पर निशान लगा लेंगे, और बाकी इसी पैटर्न पर हम फ्रंट के 2 पीस कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच स्लिट के लिए एक्स्ट्रा रखा था, और फ्रंट में हमें बटन ब्लैकेट के लिए एक्स्ट्रा रखना है, इसलिए सेम मेजरमेंट के साथ मैंने फ्रंट के 2 पीस कट किए हैं, सिर्फ लेंथ में 1 इंच कम रखा है। अब हम मार्किंग करेंगे। 7 इंच पर मैं शोल्डर के लिए निशान लगा रही हूँ। ये 1 इंच नॉर्मल से ज़्यादा है, क्योंकि लैब कोट हम ज़रा लूज़ बनाएंगे। आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। नॉर्मली मैं 6 इंच लेती हूँ। चेस्ट के लिए 8 इंच पर, और इसके बाद हम वेस्ट वगैरह की कोई मार्किंग नहीं करेंगे। आर्म होल के लिए हम गोलाई दे लेंगे। नेक की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और गहराई के लिए 3 इंच पर। तमाम मार्किंग मैंने फ्रंट के पार्ट से ऑनवर्ड्स की है। इन दोनों पॉइंट्स को हल्की सी वी शेप और गोलाई में मिलाएंगे। बैक नेक की गोलाई हम ऊपर के हिस्से में ही देंगे, बिल्कुल 1/2 इंच। अब बैक के पार्ट की कटिंग करेंगे, बैक आर्म होल और बैक नेक की। बैक का पार्ट इलहदा करके हम फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल की थोड़ी सी डीप कटिंग कर लेंगे, और नेक लाइन को हम इसी तरह एक्सटेंड कर लेंगे अगले हिस्से पर और कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट में हमने कॉलर वाले हिस्से के लिए इतने 2 पीस कट करने हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम पैटर्न पर लेकिन इतनी चौड़ाई के मैंने 2 पीस कट किए हैं। आर्म होल से तकरीबन ये 2 इंच अंदर की तरफ है, और इसको हम उल्टी साइड पर रखेंगे, यानी जिस तरह ये सिलने के बाद आएंगे तो ये यहाँ पर आएंगे इस तरह। अब इनकी सिलाई करने के लिए पहले हम इस बाहर वाले हिस्से की फिनिशिंग करेंगे, तो 2 बार बारीक बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने बाहर के हिस्से में सिलाई लगा ली है। अब हमने अंदर के हिस्से की सिलाई करनी है। इसके लिए सीधी साइड्स को आपस में मिलाएंगे, तो इसको हम यहाँ सीधी साइड पर रखेंगे इस तरह से, और यह नेक पर, यहाँ पूरी लंबाई पर, और नीचे दामन पर सिलाई लगाएंगे। लेकिन नेक के हिस्से पर हमने पूरी गोलाई में सिलाई नहीं लगानी, उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए सीधी साइड पर मिलाकर मैंने पिन्स लगाई हैं, दोनों को इकट्ठा मिलाकर रखेंगे, और नेक पर हमने जितने हिस्से पर सिलाई लगानी है उतने पर हम मार्क कर लेंगे। तो मैंने ये 2 इंच पर निशान लगाया है, यहाँ से हम कट लगा लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है, सिर्फ 2 इंच के हिस्से पर सिलाई लगाएंगे, ऊपर के हिस्से पर सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है नेक लाइन पर, सिर्फ 2 इंच के हिस्से पर, बाकी पूरी लंबाई और दामन पर भी सिलाई लगा ली है। अब हम इस पीस को उल्टी तरफ पलट लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया, तो अब आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। 2 इंच तक हमारी फिनिशिंग हो गई है, ऊपर के हिस्से पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी। अब बैक का पार्ट तैयार करके हम फ्रंट से अटैच कर लेंगे। बैक के पार्ट में हमने यहाँ पर स्लिट लगानी है, इसके लिए मैंने ये 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, तो तकरीबन नीचे से 6 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ तक हम स्लिट रखेंगे और ऊपर तक हम बंद कर लेंगे, तो ये सिलाई हम ऊपर से यहाँ निशान तक लगा लेंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने मार्जिन को इस तरह ओपन नहीं करना,
बल्कि इसको एक ही तरफ फोल्ड रखेंगे इस तरह से। और ये जो हमारा मार्जिन आया है दोनों साइड्स का इलहदा इलहदा, इसको हमने ऐसे दो बार फोल्ड करना है और सिलाई लगाएंगे। और दूसरे वाले पीस को हमने सिर्फ एक बार किनारे से फोल्ड करना है इस तरह से और सिलाई लगाएंगे। और फ्रंट से फिर ये इस तरह से आएगा, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच किए बगैर इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। तो ये देखिए, ये सिलाई हमने लगा ली है, स्लिट हमारी तैयार हो गई है। अब बैक का पार्ट तैयार है। यहाँ पर जो मार्जिन ऊपर के हिस्से पे एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम कर लेंगे। बैक के पार्ट को भी अच्छे से प्रेस कर लिया है मैंने। अब बैक और फ्रंट को मिलाकर हम शोल्डर से सिलाई लगा लेंगे। सेंटर फ्रंट का हिस्सा ओवरलैप करेगा आपस में, क्योंकि ये कॉलर के नीचे लैपल का हिस्सा होता है। ये इस तरह से आएगा। अब शोल्डर से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने शोल्डर से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी ट्रिमिंग करनी है। ये जो बैक नेक पे मार्जिन का हिस्सा है ये वाला, इसको हमें बिल्कुल स्मूथ करना है। तो थोड़ी सी डीप हम कटिंग करेंगे, इससे कॉलर बहुत अच्छा अटैच होता है। ये देखिए, बिल्कुल मार्जिन के साथ मैं इसको कट कर लूँगी यहाँ तक। तो ये देखिए, ओपन करेंगे तो ये इस तरह स्मूथ आएगा ऐसे। तो यहाँ पे कॉलर अटैच करने में हमें आसानी होगी। अब हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना कॉलर चाहिए। यह आपने बहुत एहतियात से नापना है, क्योंकि इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम कॉलर बनाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 13 इंच आ रहा है। मैंने दो पीस लिए हैं, लंबाई 4 इंच है दोनों पीसेस की, और चौड़ाई मैंने 16 इंच ली है, क्योंकि हमें 13 इंच का कॉलर चाहिए। और ऊपर से थोड़ा सा तिरछा हम कट करते हैं। फोल्ड करके हम सेंटर में नॉच लगा लेंगे, और सेंटर से दोनों तरफ इंच टेप रखकर हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर कोने से मिला देंगे। इस तरह से तिरछा कॉलर आएगा। मार्जिन रखते हुए मैं कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ दामन से भी थोड़ी सी गुलाई देंगे हम, सेंटर से सीधा रहेगा, साइड से थोड़ी सी गुलाई आएगी इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हमने साइड पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है, ऊपर के हिस्से पर और इस साइड पर। सिलाई लगाने के बाद मार्जिन की थोड़ी सी ट्रिमिंग करेंगे और सीधी साइड को बाहर निकाल लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, कॉलर मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इसको कोट के साथ अटैच करेंगे। और यहाँ पर आपने फिनिशिंग में ध्यान देना है कि हम इसको पहले सीधी साइड पर अटैच नहीं करेंगे, बल्कि हम कॉलर को पहले उल्टी साइड पर अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये कॉलर की सीधी साइड हमारे सामने है, मैं इसकी फिनिशिंग उल्टी साइड से कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम पिन लगाएंगे, इसकी रीज़न मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो कॉलर को हमने इस तरह उल्टी साइड से मिलाकर रखकर पिंस लगानी है, और उसके बाद हम इसको सीधी साइड पर हैंड स्टिच करेंगे। तो जहाँ पर हमारा नॉच आ रहा है, कट हमने लगाया था, वहाँ तक हम कॉलर को सिलाई कर लेंगे। अगले 2 इंच के हिस्से की फिनिशिंग हुई भी है। तो इस तरह से कॉलर और नेकलाइन को मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। सेंटर बैक से सिलाई स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए, एंड पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ से हम यहाँ कॉलर के किनारे से ही मैं सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरफ सेंटर बैक से सिलाई स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब ये फिनिशिंग हमारी उल्टी साइड से हो गई है। ये देखिए, कितनी अच्छी नीट फिनिशिंग आई है कॉर्नर तक।
अब हमने मार्जिन को कॉलर के अंदर फोल्ड करना है, उससे पहले हम यहाँ पर कट लगाएंगे। तो छोटे छोटे कट ज़्यादा सारे हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब मार्जिन को हम कॉलर की तरफ फोल्ड करेंगे और कॉलर आधा इंच अंदर को फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मशीन की सिलाई भी लगाई जा सकती है। मैं सुई धागे को प्रेफर कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर हैंड स्टिच करूँगी। और ये जो हैंड स्टिच हम कर रहे हैं ये सीधी साइड की तरफ है, इसकी रीज़न मैं आपको अभी बताऊँगी। तो पहले मैंने पिंस लगा ली हैं, अब हैंड स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने तरपाई कर ली है तो हमारी राइट साइड की इस तरह फिनिशिंग हुई है। अब आप देखिए जब हम कॉलर सीधा करेंगे ये हमारे कोट की सीधी साइड होगी। हमने फिनिशिंग मशीन से अंदर की तरफ की थी तो जब हम कॉलर को इस तरह फोल्ड करेंगे तो वो जो उल्टी साइड है वो यहाँ पर सामने आती है, इसलिए हमें इसकी अच्छे से फिनिशिंग करनी है। इसलिए मैंने पहले उल्टी तरफ सिलाई लगाकर मशीन से फिनिशिंग की थी और बाद में हमने सीधी साइड की फिनिशिंग की, क्योंकि सीधी साइड अंदर की तरफ रहती है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे तो पहले स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने इस कपड़े को फोल्ड किया है, ऑन फोल्ड 16 इंच है, यानी ये दोनों स्लीव्स के लिए है। इसको एक बार फिर फोल्ड करेंगे इस तरह से। लंबाई के लिए मैं यहाँ 16 इंच पर निशान लगा रही हूँ, हमें तैयार 15 इंच चाहिए। तो अपने बच्चे की स्लीव की लेंथ के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। आर्म होल के लिए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ पर तकरीबन 2.5 इंच की स्लोप देंगे। दामन से हमने 4.5 इंच चौड़ाई लेनी है तो 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से मिला देंगे और कटिंग कर लेंगे। साइड पर मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। सेंटर पर एक नॉच लगाएंगे और एक साइड पर फ्रंट आर्म होल के लिए थोड़ी सी डीप कटिंग कर लेंगे। स्लीव इस तरह से हमारी तैयार हो गई है। दामन से दो बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। स्लीव तैयार करने के बाद अब हम आर्म होल से अटैच करेंगे। स्लीव के सेंटर को शोल्डर से मिलाएंगे और आर्म होल को इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद ये देखिए दामन की अब हमने फिनिशिंग करनी है। तो सेंटर फ्रंट तो हमारा फिनिशिंग हुई हुई है क्योंकि हमने जो उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था उसके हमने फिनिशिंग कर ली थी। बाकी जो कपड़ा बचेगा उसको हम इस तरह दो बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह दामन की भी फिनिशिंग हो गई है। सेंटर में हम बटन होल्स बनाकर बटन अटैच कर लेंगे। तो यह फासले से हम 3 से 4 बटन्स अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पॉकेट अटैच करेंगे। पॉकेट आप दोनों साइड पर भी अटैच कर सकते हैं, मैं एक ही साइड पर अटैच करूँगी। तो दामन से तकरीबन मैं 12 इंच पर निशान लगा रही हूँ, यहाँ पर पॉकेट का ऊपर का हिस्सा आएगा। पॉकेट की लंबाई 5 इंच है तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे। सेंटर से ये देखिए 3 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, यहाँ पर पॉकेट इस साइड की तरफ एंड होगी और पॉकेट की चौड़ाई 4 इंच होगी। तो यहाँ पर मैं चौक से इस तरह से पॉकेट की निशान बना लिया है। इसके लिए मैंने ये कपड़ा कट किया है। लंबाई हमें 5 इंच तैयार चाहिए तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच कपड़ा लिया है और चौड़ाई हमें 4 इंच तैयार चाहिए तो 5 इंच कपड़ा लिया है।
ऊपर से दो बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और बाकी तीनों साइड से आधा आधा इंच फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए तीन साइड से हम आधा आधा इंच फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे और पॉकेट के ऊपर के हिस्से पर हम दो बार फोल्ड करके पहले अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह पॉकेट तैयार हो गई है। अब हम इसको कोट पर अटैच कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने मार्किंग की थी एग्जैक्टली उसी जगह पर रखेंगे, पिंस लगा लें और फिर तीनों साइड पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा लैब कोट तैयार हो गया है और ये आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमारा ये कोट तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।